हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे सभी, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह के 7:30 बजे से, सॉरी सॉरी 7 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और वैसे आज मैं उठी हूँ 6:05 पे, क्योंकि 6:05 का अलार्म है तो उसी टाइम में उठी हूँ। और अभी देखिए, यशी जो है वो है बाथरूम में, नहा रही है, ब्रश कर रही है, और मैं आयना और यशी की ड्रेस में बस आयरन करके आ गई हूँ किचन में। तो अभी सुबह सुबह मस्त लग रहा है। और आप लोग ने नोटिस किया कि नहीं, ये जो खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियाँ खुल चुकी हैं। होता क्या था, इतनी गर्म हो जाती थी किचन जब सुबह उठते थे ना, तो बहुत गर्म गर्म सा फील होता था। तो ये जब हम लोग यहाँ पर आए ना, तब से हम लोग ने खिड़कियाँ बंद थी ना, हम लोग ने खोली नहीं। मैं इसलिए नहीं खोलती थी क्योंकि यहीं पर रखा हुआ है गैस, और भाप से तो उसमें जैसे खिड़कियों में थोड़ा बहुत धूल डस्ट तो हो ही जाता है, और भाप से वो चिपक जाता है, फिर उसकी अलग से क्लीनिंग करनी पड़ती थी, आपको याद होगा पुराने वाले घर में। तो इसलिए मैंने इसको खोला नहीं था। बट ये है कि गर्मी इतनी हो रही है तो फिर हम लोग ने खिड़कियाँ खोल दी हैं। तो अब यह है कि इतना गर्म नहीं होने पाता है किचन। अब साफ का क्या है, साफ तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मेहनत पड़ जाएगी लेकिन थोड़ा बहुत तो आराम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर यह तो खिड़की की हो गई बात। और अभी मैं यशी का जो लंच है ना, वो अभी नहीं बना रही हूँ। और मैं सुबह सुबह आज जब उठी ना, सबसे पहले मैं नहा ली थी, उसके बाद ही मैं किचन में गई हूँ आज। और अभी क्या है कि अब लंच तो नहीं बन पाएगा क्योंकि 7:30 बजे इसकी बस आ जाएगी। तो आयना जाती है 8:30 बजे, तो लंच आयना ले जाएगी यशी का। अभी मैंने सिर्फ ब्रेड सेक करके उसमें सॉस लगा करके यशी को दे दिया और मिल्क दे दिया, तो इतना ये खा ली है। बनाना था तो बनाना भी खा ली। अब क्या है कि 7 बजे तो ये नहा करके आई, 7:30 बजे बस, अब आधे घंटे में इसको मैं क्या ही क्या खिला दूंगी। तो इसीलिए मिल्क पी ली, बनाना खा ली, ब्रेड तो फिर इसने दिया था मैंने, बट ब्रेड के लिए इसने मना कर दिया। एक तो थोड़ा इसका दांतों में भी दिक्कत हो रही है इस वजह से भी, और मन भी नहीं था इसको क्योंकि सॉस लगा दिया था ना, तो फिर इसीलिए ब्रेड हटाकर मैंने इसको दिया बनाना। और अभी वहाँ बालकनी में मैं बैठी हूँ, सॉरी मैंने यशी को बिठाया हुआ है क्योंकि हस्बैंड तो बैग लेकर के नीचे चले गए थे और वो बस आने वाली थी, तो इसीलिए मैं बालकनी में थी कि अगर बस आ जाएगी तो मैं इसको तुरंत भेज दूंगी। तो बस फिर आ गई थी 5 मिनट बाद, तो मैंने यशी को भेज दिया है। और अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। जैसा कि मैंने बताया, आज मैं सुबह ही नहा ली थी, तो पहले मंदिर को अच्छे से साफ कर दिया है, और अभी शुद्ध ताजा जल, तुलसी और भोग लगाने के लिए केला, ये सब चीजें मैं लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए कर लेते हैं पूजा आरती सुबह सुबह। अब देखिए, आज जल्दी उठ गई थी, जल्दी नहा लिया तो पूजा भी जल्दी हो गई, वरना फिर लेट हो जाता है, 9:30-10 ऐसे बच जाता है। जैसे अब भाई लंच वगैरह का काम तो इम्पोर्टेंट है, वो तो बच्चों को हस्बैंड को देना ही है। पूजा ये है कि चलो मैं थोड़ा टाइम लेट हो जाए, बाद में कर लेती हूँ, लेकिन आज जल्दी हो गया तो हो ही गया। और भिंडी आज मैंने आज हस्बैंड से बोली है कि आप कट करो, जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक उन्होंने भिंडी कट कर दी है। तो बस मैं, मेरे को थोड़ा सा आराम हो गया, भिंडी कट करने में कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, टाइम लग जाता है ना। तो इसीलिए ये है कि उस बीच में मैंने और एक्स्ट्रा काम हो गया मेरा, तो देखिए सब्जी कटी हुई थी तो आराम से फटाफट बनाई। और यहाँ पर आटा मैं पहले ही लगा दी थी, अभी मतलब लगाया पहले क्या अभी लगाया, तो यहाँ पर मैं पराठे बना दे रही हूँ। 6 पराठे बनाए थे, दो दो तो लंच में रखने के लिए, और अगर भी इनका खाने का मन होगा तो अभी खा लेंगी। वैसे यशी चली गई, आयना का मन होगा तो आयना को दे दूंगी थोड़ा सा। और आज वैसे आयना ना पसंद नहीं करती है कि मैं यशी का लंच ले जाऊँ, उसको कहती है बैग मेरा हैवी हो जाता है, बट सुबह नहीं बन पाया तो उसे ही भेज दिया, क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है दोनों बच्चों का लंच वाला पैकिंग का काम। अब बस पानी भर के आयना को दे दूंगी, अभी ये भी जाएंगी, स्कूल टाइम हो गया है। 8:30 बज चुके हैं, आयना यशी दोनों स्कूल जा चुकी हैं, और आयना की बस ना आ गई थी, हम लोग अंदर ही घुसे थे, फिर एक लड़की आई बुलाने के लिए, जल्दी जल्दी भेजे। और लंच मैंने ना रखा नहीं था क्योंकि मैंने सब्जी ठंडी करने के लिए किचन में छोड़ दी थी, मैं जब बस आएगी तो जल्दी पैक कर दूंगी। और ये लेकर के आना फिर नीचे चले गए, फिर मैंने जिससे सब्जी लेती हूँ ना वो एक बैग में रस्सी से बांध करके लंच बॉक्स दिया है, तभी आना लेकर गई है। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बना लूँ। उठी तो तभी मैं 6:15 पे, बट हाँ इतना काम करते करते 8:30 बज गया, गर्मी भी बहुत लग रही है। अब जा रही हूँ चाय बनाऊंगी, एसी ऑन कर दी है, मैं बैठ के पीऊंगी, हस्बैंड गए मिल्क लेने के लिए। तो आना जा चुकी है और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय, एक छोटे से बर्तन में एक एक कप चाय बनेगी। हस्बैंड तो पीते नहीं, अगर उनको बोल दो ना जबरदस्ती पी भी लेंगे तो फिर खाना निकाल के जाते हैं, तो इससे अच्छे उन्हें चाय ना दो, वही सही है। और बस चाय बन रही है एक तरफ दाल चढ़ा दी है, चावल धुले रखे, चाय वाला पकौना हटाऊंगी,
तो मैं चावल चढ़ा दूंगी। और जैसा कि मैंने चावल चढ़ा दिया, अब चाय छान के चलते हैं अंदर रूम में, बैठ के आराम से पीते हैं। यहाँ तो गर्मी है। 1 बज गया है और मुझे नहीं पता मैंने वीडियो कितनी देर पहले शूट की क्या, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 10 बजे नहीं 9:30 बजे तो हस्बैंड गए ऑफिस। उसके बाद फिर मैं बस ऐसी बैठी थी, फोन चला रही थी, उसका मेरी मेड आई तो झाड़ू पोछा करके गई, और तब से मैं अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, बिग बॉस देख रही हूँ। तो 3 दिनों में तो बिग बॉस खत्म होने वाला है, और अब 1 बज गए हैं तो 1:20 पे यशी आती है, तो उससे पहले मैं घर का हुलिया ठीक कर देती हूँ। मैं काफी देर से, मैंने 10 बजे से 1 बजे तक मैंने टाइम वेस्ट किया है खूब, मैंने कंघी भी नहीं की है। इस टाइम पे मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पहले मैं घर ठीक करके फटाफट कंघी कर लेती हूँ यशी के आने से पहले। और आज मैंने टॉवल भी यहीं पे दरवाजे पे टांग दी थी सुबह, मैंने सोचा था कि मैं बाद में डाल दूंगी धूप में, फिर मैं बैठी रह गई। तो चलिए फटाफट रूम ठीक करके बाहर डालते टॉवल और फिर यशी आएगी तो आप लोग को यशी। तो मैं तो बहुत देर बैठी रह गई, अब फिलहाल जल्दी फटाफट से ये सब समेट लिया जाए, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। प्रेस देखिए सुबह से पड़ा हुआ है, सुबह बच्चों के कपड़ों में प्रेस किया था ना, तो वो पड़ा ही रह गया। और ये गद्दा पता नहीं क्या है इसमें, मैं रोज़ इधर खींचती हूँ, रोज़ उस साइड पर चला जाता है। और होता क्या है कि इधर बेड का जो कॉर्नर है ना, उससे कई बार पैरों में लग जाता है, क्योंकि ये कोना इधर जब दरवाजे से निकलो तो बीच में आ जाता है, तो मैं इसको इधर खींचती हूँ और वो उधर ही खिसक जाता है। तो आप लोग कुछ ट्रिक कमेंट करना अगर आप लोग पास है कि ये गद्दा मूव ना करे ज़्यादा इधर उधर, तो मेरे को बताना, तो मैं वो अप्लाई करूँगी। खैर यहाँ पर क्या हुआ था, मुझसे गिर गया था पानी, अभी वो रखा हुआ था ग्लास और मैं लेके जा रही थी, तो मैं वहाँ पे कपड़े उपड़े कुछ पड़े थे, तो मैंने उठाने को किया तो ग्लास का पानी गिर गया, फिर मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे भी ये सारे कुछ कपड़े हैं जो धूप में डालने, जैसे टॉवल वगैरह, और कुछ कपड़े हैं जो वॉशिंग मशीन में डालने हैं, तो वो सब लेकर के आ गई। धूप इस टाइम पे ना बहुत हो रही है, पहले तो मतलब जून में, आई थिंक जून एंडिंग में तो इतनी बारिश हुई है जब लग रहा था कि अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी बारिश स्टार्ट हो गई इस बार, लेकिन अब पूरा जुलाई में जबकि होनी चाहिए, तो इस बार अभी जुलाई में तो बारिश ही नहीं हो रही है ज़्यादा। इस बीच तो मेरे को लगता है कि 15 दिन से बारिश नहीं हुई है, एक आध बार थोड़ी बहुत हुई होगी तो हुई होगी, वरना ऐसे नहीं हुई स्टार्टिंग में, बल्कि ज़्यादा बारिश हो गई थी। अब देखते हैं होती है या नहीं होती, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ना तो मौसम सही हो जाएगा, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद देखिए कपड़े वगैरह बाहर डालने के बाद, फिर मैं यहाँ पर चेयर में, ये कपड़े मैंने धुले थे ना तो चेयर में ही रखे रह गए हैं, तो अब ये वाले कपड़ों में मैं निकाल रही हूँ, जो भी हस्बैंड के कपड़े हैं जो मुझे प्रेस के लिए देने हैं, तो उनको मैं अलग कर रही हूँ, बैग में रख देती हूँ ये सारे ही कपड़े। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 1:10 हुआ है, और इतनी देर में मैंने ये हॉल, अंदर वाला रूम और बाहर वाला रूम, तीनों जगह मैंने साफ कर दी। किचन मेरी पहले से ही साफ है, और हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं देने थे प्रेस के लिए, तो जो इसमें है वो मैं निकाल लेती हूँ, और जो कल मैंने धुले थे वो सब अभी बेड पे डालती हैं, बाहर से उठा के लाई हूँ। कपड़े ना काफी ज्यादा एक्चुअली इकट्ठे हो गए, तो मैंने काउंट करा, पहले तो यहाँ से निकाला जो आज मतलब कल धुले थे, वो कुछ पहले से भी रखे थे इनके कपड़े में, तो काउंट किया तो 6 पैंट थे और आई थिंक 9 या 10 शर्ट्स थी, तो रख दिए, आयरन करने वाला आएगा तो दे दूंगी उसको। स्कूल से आ गया और आपके दांतों में दर्द हो रहा था क्या बेटा? यशी के भी दांतों में बहुत कैविटी हो गई, आज इसको मैं ले जाऊंगी डॉक्टर क्या? संडे को हस्बैंड की छुट्टी होती है, बट संडे को क्लिनिक बंद होती है, तो इसलिए बहुत इसका भी पेंडिंग में जा रहा है और दांतों में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या है ये पपेट वाला? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं कौन विनर होगा। अगर 3 आए तो फिर आप खा जाओगी, 3 आए तो मैं खा जाऊंगी। हाँ। चलो कोई बात, इसमें करो, इसमें आप कह रही थी ना मैं विनर होंगी। हाँ। पर मैं विनर हुई, देखो मेरा पूरे तक हो गया। आपने हरा आपके दिया, आपके दो बच्चे, आपने मुझे हरा दिया, ये हार गया। फ्रेंड्स अभी 2:25 हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ बाहर देखने, आयना की बस तो नहीं आ गई, यशी अभी देख रही है टीवी, जब आयना आ जाएगी तब मैं खाना लगाऊंगी दोनों के लिए। वैसे यशी के दांतों में दर्द है, खैर अभी दाल ही चावल देना है तो खा लेगी, इसलिए रोटी नहीं खा पा रही है वो। देखिए ये आयना यशी, एक दिन हम लोग गए थे बाहर घूमने के लिए, तो ये दोनों अपने लिए लेकर आई थी, और ये फ्लावर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये टेबल थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। मैं आ गई थी बाहर आयना का देखने के लिए, बस तो नहीं आई, और उसके बाद आधे 1 घंटे बाद आए थे खाना वगैरह बच्चों को देने के बाद, फिर मैं इनको स्टडी कराने के लिए हो गया है, और अभी यशी तो स्टडी कर रही है, आयना ट्यूशन में पढ़ेगी, तो उसको अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ,
और इसको मैं लेके जाऊंगी अभी डेंटिस्ट के। पहले मैं सोच रही थी कि अभी 5:30 बजे आयना को ट्यूशन छोड़ने जाऊंगा, वहां मैं उससे कुछ बात भी करनी थी मुझे, बट ये हो रहा है कि अभी मेरी मेड आने वाली होगी बर्तन करने के लिए, तो फिर वो वापस लौट जाए, तो इससे अच्छा वो अभी आयना को जाने देते ट्यूशन, और उसके बाद जब मेरी मेड बर्तन वगैरह कर जाएगी तो आयना को जब लेने जाऊंगी तब मैं इसको लेके डेंटिस्ट के पास जाऊंगी, क्योंकि फिर अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। और बाकी मेरा काम तो कुछ है नहीं ज़्यादा, आज ना मैंने ब्लॉग बनाया ना ज़्यादा कोई काम नहीं था, वही नॉर्मल थोड़ा बहुत जो भी था वो आप लोग के साथ शेयर किया है, बाकी तो कुछ काम नहीं। अब शाम को वही चाय वाय बनाऊंगी और खाना बनेगा, रात में थोड़े कपड़े मैंने धूप में डाले थे वो मैं ले आती हूँ अंदर, आना लोग की ड्रेस थी बस क्योंकि मैं धूप में डाले थे, इतना इतनी गर्मी में इन लोग की ड्रेस पूरी। तो देखिए ऐसे ही सारा दिन मेरा जो है वो निकल गया, अब शाम हो गई है, तो बच्चों के जो कपड़े मैंने धूप में डाले थे उनको लेकर के चलती हूँ अंदर, और ये डोर मैट जो है वो भी डाल दिया था, गीले हो गए थे पूरे तो उसको भी धूप में डाल दिया था, अभी चल रहे हैं अंदर। और आज मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया कि डॉक्टर के यहाँ जाने के सोच रही थी मैं, तो अभी फिलहाल तो ये आईना को जो टेबल पे हमें यहाँ पर क्या मिला है, एक्सपायरी लॉलीपॉप, एक और क्या मिला है, एक्सपायरी लॉलीपॉप। क्या बेटा ट्यूशन का टाइम ना, आपका क्लिप ढूंढ रहे हो क्या? इसी में होंगी ग्रीन वाली जो सुबह लगाई थी, लगा साफ करना पड़ेगा। तुम ही लोग का तो फैलाया हुआ है सब, किसी दिन मैं अपनी कंप्यूटर में काम कर रही हूँ। कंप्यूटर में बाद में करना काम, पहले कॉपी में काम करो अपने। जैसी तैयार हो टाइम किसके पास चलने के लिए, ठीक है मैं भी तैयार हो जाऊँ, जाती हूँ लेकर इसको, पर मुझे बहुत धक धक धक। फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी, और अभी मेड जो है वो बर्तन कर रही है, तो जैसे ही बर्तन कर लेगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ डेंटिस्ट के पास से, और अभी बज रहे हैं 8। अब आप लोग सोचो मैं 6:30 बजे घर से गई थी, पहले मैं गई डेंटिस्ट के पास, ज़्यादा दूर नहीं था, है तो बगल में दुकान, और वहाँ पे दिखाया यशी को, तो उन्होंने बोला है इसके एक्चुअली काफ़ी दांतों में प्रॉब्लम है, एक दांत में नहीं है, तो दो तो कह रहे हैं काफ़ी ख़राब हो गए हैं, उनको छोड़ दीजिए, दूध के दांत है तो वो टूट जाएंगे बाद में जब होगा, और 3 दांतों में उन्होंने बोला है फिलिंग कराने के लिए, तो अब इनके पापा आ जाए उनसे पूछ लूँगी, डिस्कस कर लूँगी, उसके बाद ही देखूँगी फिलिंग कराने की नहीं। तो वहाँ से 7 बज गया था हम लोग को, उसके बाद फिर मेरे को थ्रेडिंग बनवानी थी, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब सोच रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं गई थ्रेडिंग बनवाने के लिए, और उसके बाद फिर मैंने सोचा हेयर भी कट करा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे मेरे बाल, तो मैंने हेयर कट कराए हैं और थ्रेडिंग कराई है। उसके बाद फिर मैं आई आयना के ट्यूशन, वहाँ पे मैम से कुछ बात करनी थी, तो वो सब बातचीत करके अब मैं आई हूँ फाइनली घर, 8 बजने में सिर्फ 5 मिनट है, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि देर हो गई है, हस्बैंड को कॉल आया था, थोड़ा लेट आएंगे वो, तो तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, उन लोग को सुला दूँगी खाना खिला के 8:30 बजे।